नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो अपना स्पेशल मैथ का बैच है, जैसे सुपरिचर है, आपके रीट है या कोई आर्मी वगैरह है, इन सभी के लिए क्या है चलाया जा रहा है। बात समझ में आ गई। ये बैच बिल्कुल जीरो लेवल से लेके स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलते चलेंगे। बात समझ में आ गई। तो जैसे सुपरिचर है, सीटी, रीट, इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। बात समझ में आ गई। बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है। इससे क्या हो जाएगा, अगर आइए बैच आपने ढंग से पढ़ लिया तो मैथ कटर बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। टॉपिक अपना कौन सा, प्रतिशत है। टॉपिक कौन सा चल रहा था अपना, प्रतिशत चल रहा था। अगर आपने पीछे क्लासे देखी होगी तो आपने देखा होगा कितने अच्छे से बेसिक से पढ़ाया आपको, और साथ साथ में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सभी टाइप के क्या क्वेश्चन करते चलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये बैच कंप्लीट करने के बाद में आपकी मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी और ना ही कोई क्वेश्चन बाहर आएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो अपन बात कर लेते हैं, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी की जाए ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। बात समझ में आ गई। चीनी की कीमत थी उसमें क्या हुई, 20% की वृद्धि हो गई। पहले जितने रुपए लगते थे उस पर क्या 20% एक्स्ट्रा लगने लग गए। बात समझ में आ गई। तो अब अपन क्या करेंगे कि चीनी का खर्चा नहीं बढ़े तो इसलिए क्या चीनी खपत क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि कितने परसेंट चीनी खपत में कमी करें ताकि अपना खर्चा नहीं बढ़े। खर्चा तभी संभव होगा कि तभी नहीं बढ़ेगा जब अपन क्या उसकी खपत कम कर देंगे, क्योंकि रुपये क्या हो गए, बढ़ गए कितने, 20%। बात समझ में आ गई। तो अपन कीमत की बात कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। कीमत पहले जैसे 100 रुपये थी, 100 रुपये थी तो अब क्या हो गई, 20% की क्या हो गई, 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई। 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि होने के बाद में कीमत कितनी हो जाएगी, 120 रुपये हो गई। बात समझ में आ गई। पहले कीमत कितनी थी, 100 रुपये थी, अब 20% की वृद्धि हुई। वृद्धि होने के बाद में अब कीमत कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? पहले कीमत अपन ने कितनी मानी, 100 रुपये मानी थी, अब 20% की वृद्धि हो गई तो 100 पर वृद्धि कितनी हुई, 20 की, तो कितनी हो जाएगी, अब कीमत कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। बात समझ में आ गई। अब देखो अपने खर्च क्या करना है। अब रुपए लगते हैं इतने, कितने, 120 रुपये। अब देखो 120 रुपये तो लगने स्टार्ट हो गए, लेकिन अपने खर्च कितने करने हैं, खर्च तो अपने को 100 ही करने हैं। क्यों, अपने को खर्चा तो बढ़ाना ही नहीं है, खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो अपन पहले भी 100 रुपये खर्च करते थे, अब भी क्या करेंगे, 100 ही खर्च करेंगे। बात समझ में आ गई। पहले खर्चा कितना था अपना, 100 रुपये था, 100 रुपये खर्चा था, और अब भी क्या है, 100 रुपये खर्च करने। बात समझ में आ गई। जबकि क्या हुई, पहले कीमत थी 100 रुपये और वो 20% वृद्धि होने के बाद में अब कीमत कितनी होगी, 120 रुपये। बात समझ में आ गई। अब देखो 120 पर कितना खर्च कम करेंगे, 120 से देखो कितना लग रहा है, 120 रुपये अपने लग रहा है। बात समझ में आ गई। और 120 से कितने रुपये खर्च कम करें ताकि क्या 100 रुपये रहे, तो 120 से इतने हम कितने कम करेंगे, 20 रुपये कम खर्च करेंगे। बात समझ में आ गई। कितने, 20 रुपये कम, 120 से कितने कम करेंगे, 20 रुपये कम करेंगे, तभी तो अपने क्या 100 रुपये लगेंगे। बात समझ में आ गई। तो अब क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 120 से कितने खर्च कम करेंगे, 120 से ऐसे लिख लो, कम खर्च करेंगे कितने, आप सीधे एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से करोगे तो फिर क्या सीधे करने लग जाओगे, लिखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। बात समझ में आ गई। 120 से कितना कम खर्च करेंगे, 20 रुपये, एक से करेंगे कितना, 1/120, और प्रतिशत के लिए अपना प्रतिशत पूछा है कितने प्रतिशत कमी, तो 100 पर कितना करेंगे, गुणा क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 0 से देखो 20 का बार, 20 में एक बार जाएगा, और 120 में कितनी बार गया, 6 बार गया। बात समझ में आ गई। तो आपके पास क्या आ गया, 100/6 आ गया। अब 6 का भाग देंगे 10 के अंदर, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, शेष क्या बच गया, 4 बच गया, तो 40 हो जाएंगे। 6 कितना हो गया, 36, शेष बच गया 4/6 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से 3, और इसको काटेंगे, सॉरी 2 आ जाएगा, 4 को 2 से काटेंगे 2, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, और आगे आ जाएगा प्रतिशत, तो आपके क्या आ गया, 16/2/3%। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर, ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए सही है। देखो सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल भी क्या टाइम नहीं लगेगा, मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। अगर आपने इस तरीके से ढंग से समझ लिया तो आपकी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आगे भी,
और जैसे क्वेश्चन को घुमा भी दिया जाएगा तो भी क्या दिक्कत नहीं आएगी। पहले कीमत कितनी थी? 100 रुपए थी। अब देखो 20% की वृद्धि होने के बाद कीमत कितनी हो गई? 120 रुपए हो गए। कितनी हो गई? 120 रुपए। बात समझ में आ गई सभी को? अब देखो अपने खर्च रुपए कितने करने, पहले खर्च करते थे अपन 100 रुपए ही खर्च करते थे, लेकिन अब कितने खर्च करने पड़ेंगे? 120 रुपए। तो 120 तो खर्च करने नहीं अपने, क्योंकि खर्चा अपने को वही रखना। बात समझ में आ गई? तो 120 रुपए से मेरे को बताओ कितने रुपए कम खर्च करेंगे, तब क्या 100 रुपए होंगे अपने? तो 120 से कितना कम खर्च करेंगे? 20 रुपए कम करेंगे। तो 120 से कितना कम करेंगे? 20 कम करेंगे, तब भी 100 रुपए होंगे ना। तो 120 से कितना खर्च कम करेंगे? 20 करेंगे। बात समझ में आ गई? सीधा सीधा ऐसे लिख लो कि 120 पर कितना कम करेंगे खर्चा, 120 पर जितना कम करेंगे उसको क्या लिख देंगे ऊपर, और गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इससे क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 16.2/3%। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखो बिल्कुल इजी तरीके से समझाया मैंने। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या है? डीजल की कीमत में क्या हो जाती है? 25% की वृद्धि हो जाती है। तो डीजल की कीमत में, डीजल की खपत में कितने परसेंट कमी की जाए ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या दिया है? डीजल की कीमत है, उसमें क्या वृद्धि हो गई? कितनी हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। आ गई बात समझ में? उसके बाद में देखो क्या दिया है कि डीजल की खपत में अपन कितने परसेंट कमी करें ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। बात समझ में आ गई? अपने वो खर्च कितने करने, जितने रुपए पहले खर्च करते थे उतने रुपए अब खर्च करने, लेकिन अब क्या आएगा? डीजल कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 25% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई? तो अब अपन कितना प्रतिशत क्या डीजल कम लेके आए ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये क्वेश्चन में पूछा। तो चलो किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन। देखो वृद्धि कितनी हुई है? 25% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 25% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई? देखो पिछले क्वेश्चन के मैंने दो तरीके नहीं बताए, इसके क्या दो टाइप से करेंगे, तो आप पिछले क्वेश्चन को भी क्या है इसी टाइप से कर सकते हो। देखो क्या हुआ, डीजल की कीमत में क्या हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। पहले अपन मानते थे 100 रुपए लगते थे। बात समझ में आ गई? 100 रुपए लीटर था डीजल। अब देखो इसमें क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई। 25% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई? 25% वृद्धि होने के बाद में कीमत कितनी हो गई? 125 रुपए हो गई। क्यों हुई? 25% की वृद्धि हुई है। बात समझ में आ गई? 100 पर वृद्धि कितनी हो गई? 25 की। तो अब कीमत कितनी हो गई? 125 रुपए। लेकिन अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए, अपन तो खर्च करेंगे वही 100 रुपए। 100 रुपए मिलते हैं तो 100 ही खर्च करेंगे, कमी हो क्या है? कम क्या करेंगे? रुपए कम रुपए क्या उतने ही रखेंगे। बात समझ में आ गई? तो कम क्या हो जाएगा? डीजल कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? डीजल के भाव में वृद्धि हो गई, रुपए अपने पास वही 100 है, तो क्या हो जाएगा? डीजल कम आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब कीमत हो गई कितनी? 125 रुपए हो गई। बात समझ में आ गई? अब 125 से कितना कम करेंगे खर्चा? अब खर्चा कितना कम करेंगे बताओ देखें मेरे को। 125 से कितना खर्च कम करें ताकि क्या अपने 100 रुपए खर्चा हो? तो 125 पर अपन करेंगे 25 रुपए कम खर्च। बात समझ में आ गई? अब क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा यही निकाल सकते हो कि 125 से कितना कम करेंगे उसको ऊपर लिख देंगे, 125 से कितना कम खर्च करेंगे 25, ऊपर क्या जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 के लिए गुणा 100। बात समझ में आ गई? 25 का बाद 25 में एक बार जाएगा, 125 में कितनी बार गया? 5 बार। तो अब क्या जाएगा, 100 में भाग जाएगा किसका? 5 का। तो कितनी बार जाएगा? 20 × 100। तो 20% क्या हो जाएगी? कमी करेंगे। कितनी करेंगे? 20% की कमी। बात समझ में आ गई? 20% की कमी करेंगे। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? हाँ देखो एक तरीका और है उसकी अगर अपन बात करें, पहले तो ये समझो अच्छे से। देखो पहले कीमत क्या थी? पहले कीमत 100 रुपए थी, अब बैठ के कितनी हो गई? 125 रुपए। 125 रुपए क्या हुई? क्योंकि डीजल के कीमत में कितनी वृद्धि हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई? वृद्धि होने के बाद में देखो क्या है, अब अपने खर्च कर कितने रुपए करने हैं? खर्च तो अपने को सिर्फ 100 रुपए करने हैं, खर्च करने कितने? 100 रुपए। बात समझ में आ गई? तो 125 रुपए हो गए। 125 रुपए से कितने खर्च कम करें? 25 रुपए। तो 125 से कितने कम खर्च करेंगे? 25 रुपए। बात समझ में आ गई? और प्रतिशत के क्या लिया, लगा दिया अपने गुणा, तो क्या जाएगा? 20% की कमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से? तो चलो भाई एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला तरीका करते हैं अपन। देखो दूसरा तरीका किस प्रकार से करें साथ ही कर लेते हैं, बाद में साथ में नोट डाउन करना।
देखो 25% बराबर आपको पता है, 25% को अपन क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। बात समझ में आ गई, ये तो आप सभी को पता है, नहीं पता तो पीछे क्लास से देख लेना। बात समझ में आ गई, 25% बराबर क्या लिख दिया अपने, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, 4 पे वृद्धि कितनी हो गई, 1 की। तो पहले 4 रुपए लगते थे, अब कितने रुपए लगेंगे, 5 रुपए। बात समझ में आ गई, 4 पे वृद्धि कितनी हुई, 1 रुपए की। तो पहले 4 रुपए लगते थे, अब कितने लगेंगे, 5 लगेंगे। बात समझ में आ गई, लेकिन अब अपने खर्च क्या करने हैं, 4 ही करने हैं। तो 5 से कितने रुपए कम खर्च करेंगे, देखो 5 से 1 रुपए कम खर्च करेंगे तभी तो 4 होंगे ना। तो 5 से कितना कम करेंगे उसको लिख देंगे ऊपर, गुणा कर दिया अपने 100। तो 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 100 के अंदर कितनी बार गया, 20 बार गया। 20 पंजे कितने होते हैं, 100। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा, 20% की कमी करेंगे, जिसमें डीजल की खपत में। बात समझ में आ गई, डीजल की खपत में कितनी कमी करेंगे, 20% की। तो चलो करो नोट डाउन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ढंग से समझ लिए तो आपकी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार के क्वेश्चन में, और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। बात समझ में आ गई, तो करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। देखो दूध की कीमत में क्या हो जाती है, इस बार 20% की कमी हुई, तो दूध की खपत में कितने परसेंट वृद्धि की जाए ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इस बार क्या हुआ, देखो इस बार क्या हुई, कीमत में कमी हुई है। बात समझ में आ गई, दूध की कीमत में क्या हो गई, कमी हो गई। तो अपन कितना दूध एक्स्ट्रा ले, अधिक ले ले ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये क्वेश्चन में दिया गया। बात समझ में आ गई, दूध की कीमत में कितनी कमी हो गई, 20% की, तो दूध की खपत में कितने परसेंट वृद्धि की जाए ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो पिछले क्वेश्चन में क्या क्या था, अपन ने वृद्धि की थी, इस बार क्या हुई, कमी हुई है। तो अपन जैसे पहले 100 रुपए का दूध लेते थे, तो अब क्या हो गई, 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। 20% की क्या हुई, कमी हो गई। तो अब वो दूध कितने रुपए का आएगा अपने, 80 रुपए का। कितने का जाएगा, 80 रुपए का। बात समझ में आ गई, पहले 100 रुपए का दूध लेते थे अपन, तो अब क्या हो गई, इसमें 20% की कमी होने के बाद में अब उसके कितने रुपए लगेंगे आपके, 80 रुपए लगेंगे। अब अपने को क्या करने हैं, रुपए बचाने नहीं है, 20 वो भी खर्च करने हैं। बात समझ में आ गई, तो अब अपने पास देखो कितने रुपए लग रहे हैं, 80 रुपए। तो अपने को खर्च कितने करने हैं, खर्च अपने को करने हैं 100 रुपए। खर्च कितने करने हैं, 100। बात समझ में आ गई, 100 खर्च करने हैं, तो एक्स्ट्रा कितने करेंगे, 80 से अधिक कितने करेंगे, 20 रुपए। 80 में क्या 20 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे ना। बात समझ में आ गई, पहले दूध के लगते थे आपके 100 रुपए, अब क्या हो गई, 20 रुपए कमी हो गई, तो अब रुपए लगेंगे आपके 80। लेकिन आपको क्या है, खपत में क्या कर देनी है, वृद्धि कर देनी है, जिससे रुपए कितने लगने चाहिए आपको, 100 रुपए लगने चाहिए। बात समझ में आ गई, लेकिन अब 80 रुपए लग रहे हैं, तो 80 पे वृद्धि कितनी करेंगे अपन, 20 की। बात समझ में आ गई, 80 पे वृद्धि कितनी करेंगे अपन, 20 की, और प्रतिशत के लिए क्या कर दिया, गुणा 100 कर दिया। बात समझ में आ गई, अब 100 करेंगे 20 का भाग, 20 में 1 बार जाएगा, 80 में कितनी बार गया, 4 बार गया। 4 के अंदर 4 का भाग 1 बार जाएगा, 100 के अंदर कितनी बार गया, 25 बार। तो 25% क्या आ गया आपका आंसर आ गया, बताओ। तो अपन वृद्धि कितनी करेंगे, 25% की, किसकी, दूध की। बात समझ में आ गई अच्छे से। दूसरा तरीके की और बात करें अपन, तो देखो आपको पता है 20% बराबर क्या होता है, 20% इस बार देखो क्या हुई, कमी हुई। तो 20% बराबर मैंने आपको क्या बताया था, 1/5 बताया था। बात समझ में आ गई, इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 पे 1 कमी हो तो क्या हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी, और अगर सॉरी 5 से क्या हो, कमी होने पे 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अगर वृद्धि होगी तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो 20% का मतलब होगा 1/5। अब देखो इसमें क्या हुई है, कमी हुई है, कमी हुई है ना, तो 5 पे कमी कितनी हो गई, 1 की, तो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। 5 से कितना हो गया, 4, क्या हो गई, कीमत, कीमत में कमी हुई है कितनी, 20% की। इसका मतलब क्या हुआ, 5 पे कमी हो गई 1 रुपए की, तो 5 से कितना बच गया आपके पास, 4 बच गया। बात समझ में आ गई, लेकिन आपको खर्च क्या करने हैं, 5 ही खर्च करने हैं, तो 4 पे कितने अधिक खर्च करोगे, 1, और प्रतिशत के लिए लगा दो गुणा 100, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 25%। आंसर कितना आया, 25%, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में, चलो एक बार दोबारा देखो, पहले रुपए अपने खर्च होते थे कितने, 100 रुपए, अब कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, 20% की क्या हो गई, कमी। लेकिन अपने को क्या खर्च पूरे कितने करने, 100 रुपए, इससे क्या जाएगा, दूध अधिक आ जाएगा। बात समझ में आ गई,
तो 80 पे कितने अधिक करेंगे अपन 20, 80 पे कितने अधिक खर्च कर दिए 20, और प्रतिशत के लिए कर दिया गुणा 100, तो आपका आंसर क्या आ गया 25%। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चाय की कीमत में क्या हो जाती है, 25% की कमी हो जाती है, तो चाय की खपत में कितने परसेंट वृद्धि की जाए ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इस बार भी क्या हुआ, कमी की हुई है। बात समझ में आ गई। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पिछला क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया, चाय की कीमत में 25% की कमी हो जाती है, तो चाय के खर्चे में, चाय की खपत में कितने परसेंट वृद्धि की जाए ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से आपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो देखो इस बार क्या हुआ, 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। किसमें, कीमत में, कीमत में क्या हुआ, 25% की कमी हो गई। बात समझ में आ गई। तो देखो पहले 100 रुपए लगते थे, तो अब क्या हो गई, 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। 25% की क्या हो गई, कमी, तो अब कितने लगेंगे, 75 रुपए। बात समझ में आ गई। लेकिन अपने को खर्च कितने करने हैं, खर्च अपने को कितने 100 ही करने हैं, तो 75 पर और कितने खर्च करेंगे, 25 रुपए खर्च करेंगे ताकि क्या हो जाए, 100 हो जाए। बात समझ में आ गई। 75 पर कितने और खर्च करें ताकि 100 हो जाए, तो 25 और खर्च करेंगे 75 में, तब क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो 75 पर कितने रुपए खर्च और करें, 25, और प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। अब 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, 75 में 3 बार जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके, 100/3 आ गया। बात समझ में आ गई। 100/3 बराबर क्या होता है, 33, सही, 1/3%। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। सीधी सीधी बात क्या हुई, देखो पहले 100 रुपए लगते थे, 25% की कमी होने पर अब रुपये कितने लगेंगे, 75 रुपये लगेंगे। बात समझ में आ गई। 100 से माइनस किया 25, तो कितना आ जाएगा, 75 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया कि अपने को खर्च करने कितने, पूरे 100 ही रुपये खर्च करने हैं। क्यों करने हैं, कि इसकी चाय क्या ले लेंगे, अधिक ले लेंगे, तो खपत के अंदर अपने कोई खपत क्या अधिक करनी है, वे में कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो वे में प्रभाव तभी नहीं पड़ेगा। पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे, अभी भी क्या करेंगे, 100 ही रुपये खर्च करेंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो 75 पर अधिक कितना करेंगे ताकि 100 हो जाए, 75 में ऐड करेंगे कितने, 25, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 75 पर अधिक कितना किया, जितना कम या अधिक करते हैं उसको क्या लिखते हैं, ऊपर, तो क्या आ जाएगा, 25 बटे क्या आ जाएगा, 75 गुणा क्या आ गया, प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, तो गुणा क्या आ गया, 100 आ गया। अब इसको 100 करेंगे तो आपका क्या आ गया, 100/3, तो इसका क्या हो जाएगा, 33, सही, 1/3% क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, क्या करेंगे, वृद्धि, किसमें, खपत में। आ गई बात समझ में। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा तरीका क्या बताया था, इसमें कमी कितनी हो रही है, 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है। अब 25% बराबर आप सभी को पता है एक क्या होता है, 1/4 होता है। अब इसका मतलब ये हुआ, 4 पे 1 कमी होगी तो 4 से कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 4 पे 1 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। इस बार क्या हुई है, कमी हुई है, तो पहले कीमत 4 रुपए थी, 4 पे कितना कम हो गया, ऊपर वाला कम हो गया, तो अब कीमत कितनी हो जाएगी, 3 रुपए हो जाएगी। बात समझ में आ गई। कीमत कितनी हो गई, अब 3 रुपए हो गई। अपने खर्च कितने करने हैं, 4 करने हैं। बात समझ में आ गई। तो 3 पे अपन कितने अधिक करेंगे खर्च ताकि 4 हो जाए, तो 3 में अपन क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तभी क्या हो जाएंगे, 4 होंगे ना, तो 3 पे अधिक करेंगे, अधिक करेंगे उसको लिखेंगे ऊपर, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 100/3। बात समझ में आ गई। तो आंसर आपका क्या आएगा, 33, सही, 1/3%। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। आ गई बात समझ में। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।